आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से कुछ कौन सी वो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आ चुके हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे वेबसाइट की सिक्योरिटी मेंटेनेंस के अबाउट। और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से कुछ कौन सी वो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको चल के देखते हैं कि आपने क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम आ जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि आपने अपने जो वर्डप्रेस को है वो अप टू डेट रखना है, प्लगइन्स को अप टू डेट रखना है, उसके अलावा हमारे पास जो थीम्स हैं उनको अप टू डेट रखना है, हमने कोई भी चीज़ आउटडेटेड नहीं रखनी। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपकी जो वेबसाइट के अंदर चीज़ें हैं वो आउटडेटेड हैं या अपडेटेड हैं? तो सिंपल, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अपडेट्स। तो सिंपल, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के अबाउट पता चल जाएगा कि कितने प्लगइन्स हैं जो आउटडेटेड हैं, राइट। यहाँ से आप सिंपल वन क्लिक के जरिए उनको अपडेट कर लोगे। तो यहाँ पे देखें, तमाम प्लगइन्स जो है वो अप टू डेट हैं। उसके बाद यहाँ पे थीम्स हैं, थीम्स हमारे सारे अप टू डेट हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास यहाँ पे है, राइट। तो अगर आपका आउटडेटेड वर्जन हो तो यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को, अपने वेबसाइट के वर्डप्रेस के वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। सिंपल वन क्लिक करना है आपने, आपकी वेबसाइट का वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा। पहली बात, आपने सारी चीज़ें अप टू डेट रखनी है। दूसरी चीज़ है, आपने कुछ एक्स्ट्रा फालतू नहीं रखना। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है एस्ट्रा अवेलेबल है, मतलब ये मेरा प्राइमरी थीम है जिसको यूज़ करते हुए मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है। अब ये जो सारे थीम हैं ये सारे हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। सिंपल इस तरह से डिलीट कर दूंगा। तो ये मैंने सारे थीम्स से डिलीट कर दिए। तो आपने ये सारे थीम्स जो भी यहाँ पे हैं एक्स्ट्रा थीम्स, उनको डिलीट कर देना। उसके बाद आप चले जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर आएंगे हम। तो यहाँ पे देखें, लेट्स से हमारे पास ये हमारा एक्टिव प्लगइन है, और इसके अलावा जो जो एक्टिव हैं जिनकी हमें ज़रूरत है उन प्लगइन्स को हम रहने देंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन है जो हमें नहीं चाहिए, राइट, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। लेट्स से मुझे ये प्लगइन्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट कर दूंगा। अब जो आपके थीम के साथ प्लगइन आए, ऑब्वियसली बात उन्हीं की आपको ज़रूरत होगी, और कुछ एक्स्ट्रा आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स या थीम्स जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो एक सिक्योर थर्ड पार्टी से आ रहे हो। लेट्स सपोज आपने इन्वेंटो से बाय किए हैं, या आपने जो थीम फॉरेस्ट से बाय किए हैं, या फिर प्लगइन है आपका वो आपने बाय किया है कहीं से, लेजिट वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि क्रैक वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे आपको क्रैक मटेरियल मिलता है, वो आप लोगों ने यूज़ नहीं कर सकना, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी जो है कम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिहाज से। आगे चल के मज़ीद हम सिक्योरिटी के लिए कुछ और चीज़ें इकदाम करेंगे, उनको मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप आपको इन बातों की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।